दीजा दस फाइव टिप्स जो मैं यूज करता हूँ अपनी बल्किंग जर्नी पे सबसे पहले हम थोड़े बेसिक्स क्लियर कर देते हैं एक ग्राम ऑफ काब्स में होता है चार कैलरीज एक ग्राम ऑफ प्रोटीन में भी होता है चार कैलरीज एक ग्राम ऑफ फैट में होता है नाव कैलोरीज नाउ अब आपको हर खाना हर एक चीज जैसे कैलकुलेटर लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है कितना कैलोरीज आपकी है वो कैलकुलेट करने के लिए आई वुड सजेस्ट एक हेल्थीफाई मेर के ऐप है या तो माई फिटनेस पैल जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप यूज कर सकते हैं कैलरीज अपनी ट्रैक करने के लिए फिर बल्क करने के लिए आपको कितनी कैलरीज खानी चाहिए वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन कोई भी कैलरी कैलकुलेटर पे मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसमें बस आपको अपना वेट हाइट जो भी डेटा वो पूछ रहा है वो डालना होता है एंड आपको बता देता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलरीज कितनी है अब बल्किंग करने के लिए जितना भी मेंटेनेंस कैलरी कैलकुलेटर जो बता रहा है उससे आपको थ्री टू फाइव हंड्रेड कैलरीज एक्स्ट्रा खानी है अगर ऐसा टाइम है कि आप 500 कैलोरीज कैलरी ज़्यादा खा रहे हो बहुत टाइम तक एंड आपका वेट स्टैगनेंट हो गया है तो आप और 300 या 500 कैलोरीज बढ़ा सकते हो अब आते हैं हम अपनी ट्रिक्स पे पहली ट्रिक लिक्विड कैलरीज़ कंज्यूम करो अगर आपके लिए काफ़ी मुश्किल है बल्क पे काफ़ी सारे कैलरीज डाउन करना तो लिक्विड कैलरीज इज़ द बेस्ट हैक अब एक क्या होता है लिक्विड कैलरीज़ जैसे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा कैलरीज ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करना बहुत हैवी हो जाता है तो मैं एक शेक बनाता हूँ जो मैं ऑफिस लेके जाता हूँ अब उसमें होता है आधा लीटर दूध एक दो बनाना सौ ग्राम ओट्स अराउंड एंड कॉफ़ी एंड शुगर जस्ट फॉर टेस्ट तो ये मैं डेली कंज्यूम करता हूँ और काफ़ी आसान बना रहता है वो बल्किंग वाला जो प्रोसेस होता है आप इसी तरीके का कोई शेक बना सकते हैं ज़्यादा फ्रूट्स डाल सकते हैं या अगर इसमें वे प्रोटीन का स्कूप डालें तो वो भी डाल सकते हैं जैसा वह आप प्रेफर करें सेकेंड अगर आप थोड़ी बहुत स्किन ही फैट थे मेरे जैसे तो आपके लिए काब्स ज़्यादा बेटर है कंज्यूम करना वर्सेस फ़ैट्स अब क्या होता है अल्टीमेटली बॉडी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो यूजली काब्स को ही कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में यूज़ करती है फ़ैट उसी स्टेट में ज़्यादा यूज होता है जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो तब डेफिनेटली आप फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप एक मैराथन रनर या उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं बट कोई भी जिम टाइप के वर्कआउट में आपकी बॉडी मोस्टली काब्स ही यूज कर रही है तो काब्स खाना ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि व्हाट आई थिंक एंड व्हाट हैपेंस विद मी इज अगर मैं फैट्स ज्यादा कंज्यूम करता हूँ जैसे पीनट बटर या ऐसा कुछ ज्यादा कंज्यूम कर देता हूँ अपने बल्ब पे तो वो सब फैट काफी स्टोर हो जाता है एंड देन जब वापस कट करने का वक्त आता है तो काफी मुश्किल हो जाता है वो फैट को वापस लूज करना तो अल्टीमेटली काब्स आर अ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी देन फैट्स अब डेफिनेटली अगर आप अपना जो भी कैलोरी गोल है वो हिट नहीं कर पा रहे हैं काब्स खा खा के तो डेफिनेटली एड इन फ़ैट्स फैट्स को मैं कम्पलीटली निकालने नहीं बोल रहा हूँ बट जस्ट सजेस्टिंग कि फ़ैट्स को ही मेन वो मत बना दो और काब्स काफ़ी कम मत कर दो काब्स भी खाओ अच्छे से थर्ड राइस एंड पास्ता आर मच ईजियर टू कंज्यूम दैन रोटी क्यों क्योंकि उनमें फाइबर थोड़ा कम होता है रोटी से क्या है जल्दी से पेट भर जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी फाइबरस राइस या पास्ता जैसी चीज़ें होल व्हीट पास्ता आई वुड सजेस्ट खाना बहुत बेटर है क्योंकि वो आप काफ़ी ईजिली काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में कंज्यूम कर पाएंगे ना पास्ता में कोई एकदम वो वाइट सॉस पास्ता वाला एकदम रेस्टरों में बनता है वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप बिना ऑयल के भी डिसेंट पास्ता विथ वेजिटेबल्स बना सकते हैं फोर्थ हैविंग yogurt और छाछ जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है बिकॉज़ उसमें अच्छा खासा अच्छा प्रोटीन भी होता है एंड बल्क पे सिनसम इतना ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ फ़ूड खा रहे होते हैं तो छाछ और दही जैसी चीज़ें हमें डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है तो ये एक हैक है जो मुझे कभी भी थोड़ा फिर भी भूख लग रही होती है बल्क पे तो मैं फट से एक गिलास छाछ कंज्यूम कर लेता हूँ या फाइव हंड्रेड दही खा लेता हूँ फोर्थ एक दिन में छः सात मील खाने की कोई ज़रूरत नहीं है काफ़ी लोग बोलते हैं कि मील को डिस्ट्रीब्यूटेड रखो जब बल्क पे हो फॉर मोस्ट पीपल अगर आपको तीन हज़ार तक कैलरी कंज्यूम करनी है आप आराम से उस तीन हज़ार कैलरी को तीन मील्स में या तो कभी कभार इवन दो मील में डिवाइड कर सकते हो जैसे मेरा शेक अराउंड थाउजेंड कैलरीज होता है लंच अराउंड थाउजेंड कैलरीज होता है एंड डिनर अराउंड थाउजेंड कैलरीज होता है तो आप इजिली इतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर मोस्ट पीपल अब ये बस लोग जो स्टार्ट आउट कर रहे हैं उनके लिए क्योंकि आई थिंक तीन साढ़े तीन हज़ार कैलरीज से मोस्ट लोग आराम से बल्क कर सकते हैं वन बोनस टिप इज़ दैट अपना बल्क जो भी है विंटर के टाइम शेड्यूल करने की कोशिश करो पर नॉर्मली विंटर में लोग काफ़ी ईजिली ज़्यादा कैलरीज कंज्यूम कर पाते हैं एंड समर्स में जून जुलाई में जब गर्मी होती है काफ़ी मुश्किल होता है ज़्यादा खाना खाना उस टाइम पे अगर आप एक मेंटेनेंस या कट पे होंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा और ईजियर पड़ेगा